उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। सरकार के द्वारा आदेश दिए गए कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो भी ढाबे, रेस्टोरेंट या कपड़े की दुकानें हैं, वो अपने प्रोपराइटर और संचालक का नाम लिखें, जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर हो गया है। शाही ध्रुवीकरण की सियासत करती है। अब फिर एक बार इनका तुगलकी फरमान आ गया है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी जब सरकार में आए, इन्होंने रंग बदलने की सियासत की, फिर इन्होंने नाम बदलने की सियासत की। आखिर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या है? कांवड़ यात्रा जैसी जो पावन यात्रा होती है, आपने देखा इससे पहले कि जब कांवड़ यात्री चलते थे तो उनको हमारे मुस्लिम भाई पानी देते थे, कोई भोजन उनको देता था, कोई फल देता था। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जहर घोलने की सियासत की है हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे में। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी का हाल इस चुनाव में इस वजह से हुआ क्योंकि इन्होंने पोलराइजेशन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं चूक रहे हैं, लगातार पोलराइजेशन कर रहे हैं। आखिर इनको दिक्कत किस चीज की है? संविधान में सबको अपना मौलिक अधिकार है, कोई अपना नाम लिखे, कोई अपना व्यापार करे, कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये तुगलकी फरमान योगी आदित्यनाथ जी ठीक नहीं है और इसको सब देख रहे हैं। जनता आने वाले चुनाव में आपको जरूर जवाब देगी। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सचिन रावत ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह तुगलकी फरमान है। जब पहली बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने रंग बदलने का काम किया था और अब नाम बदलने का काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग में जो नेम प्लेट लगाए जाने संबंधित आदेश दिया है, वो यकीनन एक गैर संवैधानिक और विभाजनकारी आदेश है। यह एक तरह से सामाजिक अपराध है जो देश की और प्रदेश की जनता जिसे पसंद नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा हर जगह हिंदू मुस्लिम करने की रहती है। वो अपने नफरत और सांप्रदायिक एजेंडे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमारा मानना है, समाजवादी पार्टी का मानना है कि इस तरह के आदेश प्रदेश की जो सामाजिक संरचना है, सौहार्द है, आपसी भाईचारा है, प्रेम है, गंगा जमनी तहजीब है, उसे बहुत नुकसान पहुंचता है। देश और प्रदेश की जनता मिलजुल की रहना चाहती है। यहाँ अमर और अकबर साथ रहना चाहते हैं, लेकिन शायद ये बात भाजपा के राजनीतिक एजेंडे में फिट नहीं बैठती है। इसलिए भाजपा इस तरह का सांप्रदायिक और नफरती आदेश बार बार जारी करती रहती है, जबकि प्रदेश की जनता ने अयोध्या में और देश की जनता ने तमाम ऐसे धार्मिक स्थल जैसे केदारनाथ है वहाँ इनको हरा दिया और ये मैसेज दिया कि उत्तर प्रदेश और देश आपके सांप्रदायिक और नफरती एजेंडे से सहमत नहीं है। वही उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम ने कहा, यह एक पूरी तरह गैर संवैधानिक और विभाजनकारी आदेश है, यह एक तरह से सामाजिक अपराध है। उत्तर प्रदेश सरकार की हर जगह हिंदू मुस्लिम करने की मंशा रहती है, वो अपने नफरत और संप्रदाय एजेंट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देश की जनता एक साथ रहना चाहती है, अमर अकबर यहाँ साथ रहना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट में फिट नहीं बैठी है। देखिए, हर फैसले को जाति और धर्म के चश्मे से देखना कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास जो है वो जातिवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति से भरा हुआ है। कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 जो उनकी सरकार में ही पास हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कोई भी रेस्टोरेंट हो, कोई भी ढाबा हो, उसको अपना नाम, अपने प्रोप्राइटर का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना है। तो इसमें कहाँ से नियम और कानून के खिलाफ कोई बात है? और सबसे बड़ी बात है कि कहाँ इसमें लिखा गया है कि किसी एक विशेष धर्म के लोगों को ही अपना नाम बताना है? हमने तो सबसे कहा है कि चाहे अमर हो, चाहे अकबर हो, चाहे एंथनी हो, सबको अपना नाम लिखना है। इसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि सिर्फ अकबर नाम लिखेगा, अमर और एंथनी को छूट है।
सर आपके सहयोगी दल है आरएलडी, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है कि इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए या दबाव किसी पे नहीं होना चाहिए, जो लिखना चाहते लिखें, जो नहीं लिखना चाहते होना चाहिए। देखिए आरएलडी हमारे सहयोगी हैं, उनकी अपने राजनीतिक दल है, वो अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार अपने विचारों के अनुसार अपने विचार रख रहे हैं, उन्होंने जो विचार रखा है ये वो उनका अपना विचार है, लेकिन सरकार ने जो फैसला किया है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सामंजस्य के दृष्टिकोण से समन्वय बना रहे और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ने इस तरह का कदम उठाया। सरकार के फैसले को लेकर भाजपा प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, सरकार के हर फैसले को लेकर जाति और धर्म के चश्मे से देखना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए अति सुरक्षा अधिनियम 2006 में किसकी सरकार में लागू हुआ था। उसमें साफ तौर पर लिखा था कि प्रोपराइटर रेस्टोरेंट मालिक का अपना नाम उल्लेख करें। इसमें किसी एक जाति के लोगों से कहा गया वो अपना नाम लिखें, हम तो सभी लोगों से नाम लिखने के लिए कह रहे हैं। इस मुद्दे पर दैनिक भास्कर ने आम जनमानस से भी उनकी राय जानी है। शासन द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है जिसमें जिस रास्ते से कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहाँ के सभी दुकानदारों को अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगाना होगा, तो क्या ये क्या मैसेज जा रहा है जनता में? 2014 से पहले ऐसी स्थिति तो कभी नहीं देखी थी। इनको दरअसल काम क्या है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इस पर नहीं बात करेंगे, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर बात करेंगे, ये इनके एजेंडे में है। ऐसा कानून लाना, ऐसी बातें करना जिससे माहौल बिगड़े ताकि इनकी सत्ता बरकरार रहे। अभी 240 लोकसभा में आई हैं और जो आपका 33 सीटें इधर उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से हार हुई है लोकसभा में, तो कहीं ना कहीं जो ये छटपटाहट है, थोड़ी सी जो इनके अंदर परेशानी है, उसकी वजह से ये अनाप शनाप एक्शन ले रहे हैं कि अब हिंदुओं को, मुसलमानों को अपना जो है, और मैं इसमें ज़रूर कहूँगा मुसलमानों को कि वो मर्द बने, अपने ओरिजिनल नाम से काम करें, पप्पू सोनू डोनू के नाम से ना करते हुए अपने आप को अपनी पहचान के साथ लड़ें, काम करें। मुझे नहीं लगता कि इसमें, मगर चूंकि अब भाजपा इन्हीं सब एजेंडों को लेकर चलती है, चुनावी इन्हीं सब बातों को एजेंडे में लेती है और वो चुनाव जीतना चाहती है, उससे कोई सरोकार नहीं। हिंदू मर जाए, मुसलमान मर जाए, उनको तो हत्याओं पर, नरेंद्र मोदी तो हत्या पर ही सत्ता करता है, चाहे वो 92 का गोधरा कांड हो, चाहे वो जवानों का पुलवामा हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो रेस्लरों को अपमानित किया जाए हो, चाहे मणिपुर पर हो, उनका सीधा सा एक एजेंडा है, नफरत फैलाओ, राजनीति बचाओ। मोदी का सिर्फ एक ही एक फंडा है और ये पूरे देश भर में हर राज्य का हर मुख्यमंत्री जो भाजपा सरकार में है उन्होंने अपना ये एक जारी कर दिया है फरमान कि आपको मुसलमानों को अपने असल नाम से करना पड़ेगा। 14 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। मैं फिर कहूँगा इनको सत्ता में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है। ये आदमी के जरूरत जो हमारी मूलभूत सुविधाएं अच्छी उन पर इनका ध्यान सरकार का ना 10 साल से गया है ना अगले 5 साल और जाएगा। गठबंधन की सरकार बन चुकी है। अब जो नया जो बजट आ रहा है वो हमको लगता है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में ही सारा बजट खत्म हो जाएगा। अरे इनको करोड़ों रुपया देंगे तो देश में क्या देंगे, देश को क्या देंगे? आपने देश को पहले ही भिखारी बना रखा है। आप सिर्फ अपनी सत्ता बचाना चाहते हो, खुद को जेल जाने से बचाना चाहते हो नरेंद्र मोदी, इसलिए आप ऐसा ये करोगे क्योंकि आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर आपने मुद्दों पर बात की होती तो जनता के बीच आप उन मुद्दों को लेकर जाते, मगर आपने सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया था, आगे भी आप यही करेंगे तभी सत्ता में बने रहेंगे। सरकार हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है कांवड़ यात्रा, तो सरकार ने शासन प्रशासन द्वारा एक निर्देश जारी किया गया कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितनी भी दुकानें आएंगी उन पे जो भी दुकानदार होंगे वो अपना नेम प्लेट लगाएंगे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपका सवाल बड़ा हमको अजीबो गरीब दिशा में ले जा रहा है। आपने कहा कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार कांवड़ यात्रा है, हम समझते हैं कि बहुत अतिशोक्ति नहीं होगी कि ये विगत 15 से 20 साल के अंदर का ये मामला है, ये 20 साल के अंदर से ये प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। कांवर यात्रा, चाहे आप ईश्वर को जिस रूप में माने,
ये आपकी स्वतंत्रता। लेकिन एक बात को स्मरण रखना चाहिए कि आपकी स्वतंत्रता कहीं दूसरे पर भारी न पड़ जाए, कहीं दूसरे के भावना पर चोट न कर जाए, कहीं आपके धर्म से कहीं दूसरे समाज के पैरे को विघटन न पैदा कर दे। ये सवाल तमाम खड़ा होते हैं। मैं कांवड़ यात्रा का वेलकम करता हूं उत्तर प्रदेश की दहलीज में, और मैं उस यात्रा को, जो यात्री उस यात्रा को, अपने मिशन को अगर सफल करने में अपना जिहाद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मैं ईश्वर के तरफ से, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं ईश्वर से भी कामना करता हूं कि उनको असीम शक्ति दे कि आपके द्वारा पाले हुए सपने को पूरा करने के लिए, उसको अक्षुण रखने के लिए, उसको अखंड कायम रखने के लिए वो आपके सपने को पूरा करे। रह गया सवाल कि भाई हमने कई चैनलों पर आज देखा, तमाम लोग, तमाम अच्छे अच्छे वक्ता अपना प्रतिक्रिया दे रहे थे, तब अजीबो गरीब बात होती है जब सवाल कुछ होते हैं और जवाब कुछ आता है। सवाल जो है, आप सवाल के परिधि में, सवाल के संधि विच्छेद में, सवाल के व्याख्या में, सवाल के थिंकिंग के तहलीज में आप अपना ईमानदारी से पक्ष रखें, ये बहुत अच्छी बात है। आप रखिए, रखना भी चाहिए। लेकिन जो कांवड़ यात्रा है, आपने केवल एक बात पूछा कि कांवड़ यात्रा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो प्रशासनिक व्यवस्था का दृष्टिकोण है, जो आम जनता का दृष्टिकोण है, जो समाज का दृष्टिकोण है, ये एक विधा में नया विधा का समायोजन कर देना, दिमाग के निगाह को बांट देना, दिमाग से समाज को गुमराह कर देना, ये अजीबो गरीब सवाल उठते हैं। अब मैं समझता हूं कि सरकार और इसके सिस्टम को पुनः अपने आदेश पर विचार करना चाहिए। कोई कानून बनाने से पहले, कोई आदेश देने से पहले आप इतना जरूर ध्यान में रखें कि कहीं इस कानून से विरोध होता है। साहब, इस्लाम का भी विरोध करने वाला इस्लाम के लोग थे। तस्लिमा ने लज्जा पुस्तक लिखा, लज्जा में उसने लिखा कि मैं इस्लाम की आक्रामक भावना की वेदना को अगर विश्व के पटल पर रख दूंगी तो ये पाकिस्तान जल जाएगा। ये वो भी मुसलमान थी। धर्म में अगर कोई विसंगति आती है, धर्म को कोई दिशा विहीन करना चाहता है, धर्म को कोई गरिमा से विहीन करना चाहता है, तो मैं कहता हूं कि जो धर्म के अनुयायी है वो सत्य के साथ खड़ा रहे, वो धर्म का सही व्याख्या करें, वो धर्म को सही दिशा दे। ये मेरा आपके चैनल पर मैं कहना चाहता हूं, ईमानदारी से अपना पक्ष रखना चाहता हूं। रह गया कांवर के ही संदर्भ में मैं बोलूंगा, चूंकि मुझे हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाने नहीं आता, और लोग बहुत गाने वाले हैं, आपके चैनल पर लाइन लगाए हुए हैं। मैं आपसे इतना कहूंगा कि कांवर यात्रा में हम लोग कांवर यात्रा के जो सहभागी रखने वाले लोग, उस यात्रा में चलने वाले लोग, उस यात्रा में आस्था रखने वाले लोगों का मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप उनको असीम शक्ति दे कि आपके प्रति उनके दिल में जो सपना पल रहा है, जो उस सपने में जो उनकी आकांक्षा है, जो विश्वास है, आप उस विश्वास को पूरा करने के लिए हमारे जो ये लोग हैं उनको आप असीम शक्ति दें। जय हिंद।